मुझे बताएं कि क्या है ऐसा, हम क्या खिलाएं अपने घर में जो बच्चों को क्या खिलाया जाए। सिर्फ अल्लाह ताला का फजल है, सारे पाकिस्तानी बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती हमारे टैलेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको शायद उस तरह से वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। कुछ बच्चे जो ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, और जो कम फॉर्चुनेट है उनके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटीज, इसलिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म नहीं देते, हमारे बोर्ड्स ही देखने के कितने हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने इस तरफ तवज्जो कम से कम की है, और इंशाल्लाह रिफॉर्म्स भी आएंगे इंशाल्लाह। तो वैसे क्या कितना पढ़ते हैं आप लोग, कितना टाइम? यही पूछ रही थी कितना टाइम। अच्छा कमर ने तो बात गोल कर दी, एक्चुअली इनकी बारी थी सवाल की, तो वही बात जो कमर से पूछी थी उसका अगर आप जवाब दो। इसमें ये अगेन वही बात है कि टाइम मैटर नहीं करता कितना, अगर कुछ बच्चे होते हैं जिनका अटेंशन स्पैन छोटा होता है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आप एक घंटा जो बैठो और आप एक घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, 2 आवर्स पढ़ रहे हो, तो उसमें ये होता है कि अगर आप छोटे ब्रेक्स में ही पढ़ लो, यू स्टडी फॉर हाफ एन आवर फिर आप ब्रेक ले लो, आप टोटल दिन में यू कैन स्टडी फॉर 5 आवर्स 4 आवर्स, जस्ट डिपेंड्स कि कितना टफ काम आप कर रहे हो। अब याद रखिए कि ये बच्चे हमारे जो है होम स्कूल्ड है, सो बात ये है कि अगर वो 4-5 घंटे की बात करें तो सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि स्कूल में पहले आप 6-8 घंटे लगा के आए, फिर घर आए, फिर चपेड़े खाए माँ बाप से, जल्दी खाना खाओ और जाओ ट्यूशन पे, फिर 4 घंटे की ट्यूशन, बच्चों का तो कीमा निकल जाता है। बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन होता है उन सारी चीजों का कि वो उस प्रेशर से ही नहीं कर सकते कि वो पढ़ें प्रॉपरली, अटेंशन दे सके, और वो जो स्कूल बैग है उनके पास नहीं, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जो अब देखे ना, 5 बच्चे हैं घर में और पांचों बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से। आई थिंक एक बहन ने 14 साल की उम्र पे ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिए, एक ने 13 साल की उम्र पे ओ लेवल्स कंप्लीट कर लिए, इन्होंने 11 साल की उम्र पे कंप्लीट किए। इनकी जो अभी छोटी जो इनकी ट्विन सिस्टर है कमर की, छोटी है इनकी, इनकी ट्विन सिस्टर है, ट्विन सिस्टर वो बड़ी है क्योंकि वो 5 सेकंड पहले पैदा हुई थी, तो टेक्निकली ये सबसे छोटी है टेक्निकली। तो अब ये सारे माशाल्लाह बड़े ब्रिलियंट यंग पीपल है, एंड आई थिंक इसका अब इस चीज से हमें प्रूव होता है, कहते हैं ना कि सब बच्चे फर्क होते हैं, लेकिन अगर सारे बच्चे हाई अचीवर्स हैं तो इसमें माँ बाप को क्रेडिट जाता है। एग्जैक्टली, अल्लाह ताला का फजल है, जीन्स का डेफिनेटली अमल दखल होता है, लेकिन माँ बाप ने मेहनत की है तो बच्चे इधर पहुंचे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा बहन भाइयों का भी बड़ा असर होता है, बड़े बहन भाइयों का, उनको देख के छोटे बहन भाई फिर वही रूटीन और वही सब कुछ फॉलो करते हैं, मेरा ख्याल है ना। तो आपकी बड़ी बहनें? नहीं मैं खुद सबसे, ये सब आप सबसे बड़ी हो, तो शी इज द वन रोल मॉडल जिनको बच्चे बाकी फॉलो। माशाल्लाह इसमें हेल्दी कंपटीशन मेरे ख्याल से हमें तो इनकरेज करना चाहिए, इसने तोड़ा है मेरा रिकॉर्ड, मुझे बहुत खुशी है। नहीं मगर बट नहीं चला, एक सेकंड के लिए, एक मिनट, ये मेरा था, ये क्या हरकत थी, एक सेकंड के लिए तो हुआ होगा। अब मैं क्रेडिट ले सकती हूँ ना कि मैंने इसे पढ़ाया ना, अगर कोई और करता तो फिर कह सकती थी कि नहीं वो तो किसी और की थी, लेकिन जो भी पाकिस्तानी बच्चा करता है मुझे खुद बहुत खुशी होती है। एक सेकंड के लिए भी नहीं महसूस हुआ कि भाई नहीं, अल्लाह मियां मुझे कोई और मौका दे देगा पाकिस्तान का नाम रोशन करने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बट यू हेल्ड द रेकॉर्ड, दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, और आपके ही भाई ने, और व्यूअर्स यही तो पॉजिटिविटी है। हमारे यहाँ एक बहन की ज्यादा अच्छी जगह पे शादी हो जाती है तो दूसरी बहन जो है वो जो कहते हैं ना सड़के कोयला हो जाती है, किसी की किस्मत कितनी अच्छी है हाँ, और किसी की, and it's not just किस्मत, it is hard work also, रब का बड़ा खास करम, आपका वो एक कनेक्शन अल्लाह ताला में, तो कोई हार्ड वर्क मतलब उसमें क्या, एक जगह अच्छी शादी, मतलब शादी के पॉइंट से, बट व्हाट आई मीन इन लाइफ इन जनरल, कि जिंदगी में हम जो भी अचीव करते हैं उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल जो है वो हमारे अपने एफर्ट्स का, और दूसरी आई मीन अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन अपनी जगह, जैसे कि शी सेड अर्लियर ऑन जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखें एक्चुअली कमर ने कहा कि हम सुबह उठते हैं अपनी नमाज वगैरह पढ़ते हैं सारे काम करके फिर हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। अच्छा, तो उनके लिए नमाज पढ़ना और अल्लाह के साथ मियां के साथ कनेक्टेड रहना, क्या बात है, इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ, ये जाहिर है ये आपको सिखाया गया ना, ये आपके बड़ों ने, आपके पेरेंट्स ने, यकीनन वो एक तरबियत, तरबियत का एलिमेंट खत्म होता जा रहा है, जो तालीम बहुत है, तालीम लेकिन पढ़े लिखे जाहिल घूम फिर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स एक स्टोरी सुनाया करते हैं कि अल्लाह मियां पे तवक्कल करने की, कि एक बंदा होता है उसकी शिप रैक हो जाती है समुंदर में, वो चला जाता है तो आइलैंड पे आके ना उसको, वहां पे सिर्फ वो अकेला इंसान होता है, तो वो अपना पहले देखता है कि कोई मुझे रेस्क्यू करे, कोई रेस्क्यू करे, मुझे बचा ले कोई, लेकिन कोई आता नहीं है, तो फिर अपना छोटा सा ना हट बना लेता है वहां पे और उसी में रहना शुरू कर देता है। तो चंद साल गुजर जाते हैं और फिर रोज वो जाता है शोर पे, रोज दुआ करता है कि अल्लाह ताला मुझे कोई आके बचा ले, लेकिन कोई आता नहीं है, नॉर्मल जिंदगी हो जाती है उसकी, वो रहना शुरू कर देता है। एक दिन वो हंटिंग करने गया होता है
तो वापस आता है तो वो देखता है कि धुआं निकल रहा होता है हाँ। तो उसके हाथ को आग लग गई होती है, वो बहुत नाराज होता है, वो शिकायतें करता है कि अल्लाह ताला मेरे पास तो ये छोटी सी जगह थी, आपने किसी को मुझे बचाने भी नहीं भेजा और ये भी मुझसे वापस ले लिया। तो वो शिकायतें ही कर ही रहा होता है कि एक शिप आती है और वो डॉक पे खड़ी हो जाती है, वो कहता है हम तुम्हें लेने आया। कहता है आपको कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ? कहता है हमने आपका स्मोक सिग्नल देखा था। तो अल्लाह ताला जो भी काम करता है वो हमेशा आपके साथ होता है, कई दफा आपको पता नहीं चलता, तो तवक्कुल करनी चाहिए। फेथ इज आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो पता नहीं, हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह है, लेकिन हमारा ईमान है नहीं, अंदर से हम मानते नहीं, कह देना इज नॉट इनफ। जब तक आप, क्योंकि वो एक हजरत अली अलैहि सलाम का एक फरमान है कि परेशान होना इंसानी फितरत है, लेकिन परेशान रहना अल्लाह के ऊपर ईमान ना होने की निशानी है। बेशक। तो हम लोग मेरे ख्याल में वो शायद वो ईमान उस तरह से है ही नहीं कि हम परेशान होते हैं। तो आजकल डिप्रेशन आप देखें कितना ज्यादा है लोगों में। रिसेंटली ये जो मलाइका जी आप भी देखें कि आजकल ये जो बहुत ज्यादा हमें स्टोरीज, पहले तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। लोग कहते हैं ना कि ये जो सुसाइड और इस किस्म की बातों को हम सुन रहे हैं ये आजकल हो रहा है। आजकल नहीं हो रहा, ये बहुत अरसे से एक चीज चलती आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था तो हमें पता नहीं चलता था। एंड यू नो ये जो रिसेंटली जो हो रहा है मिशाल, कभी कभी लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है मीडिया वालों के ऊपर, जो लोग लाइमलाइट में होते हैं, जो म्यूजिक की फील्ड से रिलेटेड हैं, जो अपने मतलब आजकल प्रेशर ज्यादा हो गया क्या? डोंट यू फील द प्रेशर? यू हैव सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। मुझे लगता है प्रेशर क्रिएट किया जाता है। आई मीन मीडिया जो कुछ कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली एट टाइम्स आई फील कि शायद हम वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, दिस इज नॉट जर्नलिज्म एक्चुअली। हम सिर्फ वो चीजें दिखाते हैं जिससे सनसनी पैदा हो, जिससे रेटिंग्स बढ़े। मतलब मैं जनरली बात कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है, लेकिन पाकिस्तान में शायद अभी इमैच्योर है हमारा मीडिया। प्रोग्राम इज नॉट सनसनीखेज खबरें। आप बड़े टू द पॉइंट और प्रॉपर बातें करते हो और बड़ी सेंसिबल बातें करते हो। आपका प्रोग्राम मैं अपने बेटे के साथ बैठ के देख सकती हूँ। मोस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स आई एम वेरी सॉरी टू से इस काबिल ही नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखो। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। कोशिश होती है। आई एम वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस। यू नो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर विद हर शी इज आल्सो अ फ्रेंड, तो उसको देख के जरा वो कोशिश होती है। मेरे ख्याल में ये कोशिश सबको करनी चाहिए। मुझे एट टाइम्स ये भी कहा जाता है कि आप, बल्कि ये हुआ एक दफा कि आपके शो में ना वो उस तरह से सनसनी नहीं है, वो जरा पैदा करें अपने शो में। इट्स नॉट अबाउट दिस चैनल, कहीं और में थी। और वो आप ऐसे करें ना, अपने गेस्ट को लड़ा दें आपस में और कुछ ऐसा करें कि वो कुछ ड्रामेटाइज कर लें, एक से कहें कि वो पानी का ग्लास दूसरे पे फेंक दे, तो रेटिंग्स बहुत आएंगी। कैन यू इमेजिन कि मतलब ये हमारा क्राइटेरिया है कि व्यूअर देखेगा क्या जब दो लोग लड़ रहे होंगे? यानी हम ये दिखाना चाहते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, इस तरह से हमारी रेटिंग्स आएंगी, हमें बिजनेस मिलेगा। सो ये हमारी जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म ये नहीं है कि आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, सही इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने ऐसा कुछ दिखाना है जिससे सनसनी पैदा हो। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई कैन नॉट डू दैट। मैं नहीं करूंगी, मेरी रेटिंग्स ना आए, डजंट मैटर। लोग करते हैं ना, इसीलिए आप देखें कि आजकल गाली गलोच बड़ा कॉमन है करंट अफेयर्स के शो में। एक दूसरे के गिरेबान पकड़े होते हैं और एंकर चुप करके बैठ के देख रहा होता है तमाशा, क्योंकि उसको पता है कि नाउ यू नो इट्स। और दूसरी बात, उनको ये पता है कि हम एज लॉन्ग एज इन्वॉल्व नहीं होते ना, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो भी एक इंटेलिजेंस का लेवल आ गया ना कि चुप करके बैठ के देखो, बाद में को हम तो बिल्कुल मजबूर होकर देख रहे थे, हमें तो समझ ही नहीं आया। लेकिन आपको नहीं फील होता कि बहुत ज्यादा? बल्कि मैं वहां पे जाके अपनी रेसिपी भी स्टार्ट कर दूं जो मैंने आप हांडी खिलाएंगे, डालूंगी तो पकेगी। तो आपसे मैं लाकर जानना चाहूंगी कि कभी कभी प्रेशर नहीं फील करता बहुत ज्यादा परफॉर्म? कि अगर हम बहुत ज्यादा तमाशा नहीं क्रिएट करेंगे और बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे या अपनी प्रेजेंस नहीं फील कराएंगे तो लोग देखेंगे नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि ये बात सही है, क्योंकि ये चीजें जो हो रही है ना उसमें ये चीजें, जैसे प्रेशर जो है, मतलब उसके मतलब बात में यही करना चाह रही थी आपसे इसी टॉपिक पे कि बहुत प्रेशर होता है इस चीज का। बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना चाहूंगी एप्पल क्रम्बल की, क्योंकि इसको बेक भी करना होता है और वक्त कम, मुकाबला सख्त होता जा रहा है। तो आप इंग्रेडिएंट्स जल्दी से देख लें। एप्पल क्रम्बल के लिए आपको कुकिंग एप्पल जिनको आप पका सकते हैं वो दो, सिनेमन पाउडर, चीनी और पानी, ये आपने डाली फिलिंग है। इसको आपने एक पैन में डाल के इसको कुक होने देना है। उसके बाद आपने मैदा लेना है, मक्खन लेना है, आइसिंग शुगर लेनी है, वनीला एसेंस लेनी है, सिनेमन पाउडर लेना है और इसको कंबाइन करके
एक क्रम्बल टाइप चीज बनानी है, थोड़ा सा उसका क्रम्बली टेक्सचर होगा, जैसे अगर आप बिस्किट वगैरह को चॉप करके छोटे छोटे हिस्से बना देते हैं तो वो एक क्रम्बली टाइप उसकी लुक आ जाती है, वो आप ऊपर डालेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड के अवन पे इसको बेक करेंगे। मैं साथ साथ ये करती रहूंगी, बट चल आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि आजकल किन चीजों पर काम हो रहा है एंड वेयर डू यू सी पाकिस्तान गोइंग, बिकॉज आपकी जो अक्सर आप जब बातें करते हो प्रेडिक्शन करते हो लाइक ये जो एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट अ नया पाकिस्तान, तो नया पाकिस्तान कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? विशाल का नया पाकिस्तान कैसा है? नया पाकिस्तान कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई जादू की छड़ी जो है वो नहीं घुमाई जाएगी और नया पाकिस्तान बन जाएगा। नया पाकिस्तान इज बेसिकली व्हाट वी वांट टू सी पाकिस्तान, यू नो व्हाट इट शुड बी, और उसके लिए हमें अपने आप को बदलना है, मुझे बदलना है, आपको बदलना है। आजकल मैंने एक चीज शुरू की हुई है, मैं अगर कहीं पे भी हूँ मुझे दो चार लोग भी नजर आते हैं और अगर कुछ भी उल्टा करते हुए मुझे लगे कि ये सही नहीं है तो मैं उनको कहती हूँ क्या आपने किसको वोट दिया था, क्या आपने चेंज वालों को दिया था, नए पाकिस्तान वालों को दिया? इफ दे से कि हाँ, तो मैं कहती हूँ तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि सिर्फ एक शख्स जो है वो नया पाकिस्तान बना देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ये मैंने बनाना है, आपने बनाना है, सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। बट व्हाट हम क्या कर सकते हैं? देखिए जैसे कि ये डैम का फंड है, इसमें हमें चीफ जस्टिस साहब ने एक रिक्वेस्ट ही की है कि सारे उसके अंदर पैसे डोनेट करें। हम एज इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? और ये बाय द वे सबसे सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा अपने लेवल पे कि हम अपने मुल्क को मजीद और कामयाबी की तरफ लेके जाएं और इसको एक ऐसा नेशन बनाएं जिसको देख के लोग रश करें और कहें कि भाई काश हम भी ऐसे ही मुल्क में रहते। मुझसे पूछ रही? हाँ, सबसे पहले आपसे पूछ रही मैं तो वही। यू आर ऑलवेज नंबर वन ऑन माय लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू। चेंज विद इन योरसेल्फ, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अपनी वो सारी चीजें जो आप गलत, और हम बहुत सारी गलत चीजें करते हैं, सुबह से लेके घर वापस आने तक, सिग्नल तोड़ने से लेके मैं तो ट्रैफिक के जो मामलात हैं उसमें आप जब निकलते हैं घर से तो इतनी परेशानी होती है कि लोग कर क्या रहे हैं। और वो कहते हैं कि किसी भी कौम को अगर आपने देखना हो कि वो कितनी तरक्की याफ्ता है तो आप उसका ट्रैफिक का सिस्टम देखें। तो हमारे यहाँ आप वहीं से घर से बाहर निकलें तो आपको नजर आ जाता है कि क्या कुछ हो रहा है। तो एक एक चीज जो आप गलत करते रहे हैं, अगर आप समझते हैं अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आप उन चीजों को छोड़ें और वो चीजें इख्तियार करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, लॉज को फॉलो करें, और मेरे ख्याल में इसी तरह से चेंज आएगा। इन बच्चों से मेरे ख्याल में ज्यादा ये बच्चे आप क्या कहेंगे? आप क्या चेंज देखना चाहती है? मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि हमारे जो स्कूल और एजुकेशन सिस्टम्स है, जैसे तो होम स्कूलिंग पे आपने मुझे काफी इंकरेज कर दिया, बट आई वुड लाइक टू सी कि जिन अस्पतालों में हमारे अपर मैनेजमेंट के पॉलिटिशियन टाइप लोग हैं, व्हाटएवर, जो भी सारे जाते हैं, मीडिया के लोग जाते हैं, उसी किस्म के अस्पतालों में रोड साफ करने वाले का भी बच्चा आ जाए और उसी किस्म के एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा हमारे सारे लोग हों, एक एजुकेशन में और हेल्थ में इक्वालिटी आ जाए। ये मेरी ख्वाब है। आपका ख्वाब क्या है? नहीं नहीं, आपकी भी बारी है मलाइका, आपने भी जवाब देना है। हाँ नहीं नहीं, जरूर मैं जवाब क्यों नहीं दूंगी। तो मैंने आप इनसे पूछ रही हैं? मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ फिर बच्चों से। ओके, मतलब मेरा, मैं भी ये कह रही हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना है। ये हम लोग ना, ये जैसे इलेक्शंस जिस दौरान हो रहे थे तो सब एक दूसरे पे तनकीद कर रहे थे कि आप किसकी साइड पे हैं और जी आप किसकी साइड पे हैं। तो ये जो इस तरह के दोस्तों में भी लड़ाई झगड़ा इसी तरह का होना स्टार्ट हो गया था। मैंने बड़े फेसबुक पे ऑनलाइन लड़ाइयां कि यही चीजें अब आगे, जैसे हम कहते हैं कि भी हमारा नया पाकिस्तान कैसा होगा, तो सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें इसी चीज पे हैं कि हमारे जितने भी ये निजाम चल रहा है हमारे, वो बेहतर होना चाहिए हर तरह का। जैसे इन्होंने कहा कि सिग्नल तोड़ने से लेके, ट्रैफिक के रूल्स से लेके, जैसे हम लोग निकलते हैं घर से बाहर तो जो रूल्स हम लोग देख रहे होते हैं ना, ट्रैफिक के जो हालात हैं, मतलब ये एक छोटा सा एग्जांपल है। आप ऑफिस जाते हैं, आप टाइम पूरा नहीं करते, हर एक को जल्दी होती है कि बस मैं जल्दी से अपना काम आधा करके उसके बाद सब अपना ही सोच रहे हैं। आपने ये आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क? एग्जैक्टली, व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू गाइस फील? कमर, आप क्या चाहते हैं चेंजेस, क्या देखना चाह रहे हो आप? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो इमेज है ना, वो सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपना पार्ट लेके पाकिस्तान की इमेज को अच्छा बनाने के लिए पाकिस्तान को नंबर वन बनाए एजुकेशन में। इंशाल्लाह, अमेजिंग। आप क्या कहोगे बेटा, आप क्या चाहते देखना चाहते हो? स्टूडेंट, मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती उनको वो मिले,
अभी हमारे रिसेंटली 2017 में फिगर आया था 22.6 मिलियन चिल्ड्रन है जो हमारे आउट ऑफ स्कूल है. जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें से भी 40% के पास अगर स्कूल जाते हैं पब्लिक स्कूल तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. जो 29% है उनके पास रेस्ट रूम की फैसिलिटीज नहीं है. तो हमारे पास फिर बोर्ड्स इतने सारे, वी हैव पाकिस्तान में 33 बोर्ड्स हैं. अगर यूके जैसे कंट्री हमारी पॉपुलेशन को भी कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे 7 बोर्ड्स हैं और हर बच्चे को उन 7 बोर्ड्स में चूज करने दिया जाता था कि हर एक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. यहाँ पे आप जिस एरिया में रहते हो उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड जाता है. आई वॉन्ट टू सी अ 1 बोर्ड सिस्टम ताकि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. आई वॉन्ट टू सी के जो पब्लिक स्कूल्स हैं दे आर बेटर देन द प्राइवेट स्कूल्स ताकि वो बच्चे जो हमारे अफोर्ड नहीं कर सकते असल टैलेंट तो हमारा वहाँ छुपा है. और मैं चाहती हूँ कि व्हाट वी हैव उसी से हम चेंज स्टार्ट करें. चेंज डजंट स्टार्ट के कल करूंगा. यू कैन नॉट स्टैंड एट द कॉर्नर ऑफ द सी एंड से कि मैं ये सी क्रॉस करूंगा. देखने से सी क्रॉस नहीं होती, आप उसके अंदर छलांग मारो एंड देन यू लर्न टू स्विम. तो पाकिस्तानी बच्चों सबको जहाँ जो आपके पास है यू स्टार्ट योर बैट क्योंकि आप एक खास वक्त में खास मकसद के लिए पैदा किए गए हो और पाकिस्तान का चेंज जो है वो यूथ से आएगा इंशाल्लाह. ऐसे ब्रिलियंट लोग भी एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में इतनी कम उम्र पे. फिर यही तो हमारे हाई अचीवर्स हैं माशाल्लाह और आगे जाके भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे. और आप इसकी रिसर्च देखें ना चीजों के ऊपर. एजुकेशन सिस्टम यूके का सारा स्टडी किया हुआ है पाकिस्तान में किस तरह से है, बोर्ड्स कितने हैं पाकिस्तानी चिल्ड्रन. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चे भी बहुत स्ट्रगल करते हैं. हमारे यहाँ एक तो लैंग्वेज बैरियर है, हम वो उस तरह लैंग्वेज को कवर नहीं कर सकते जिस तरह बाकी बच्चे उनके पास एडवांटेज है. सो आई वर्क एज द एजुकेशन एंड यूथ एम्बेसडर और मैं काम कर रही हूँ इसलिए मुझे आई नो कि पाकिस्तानी बच्चे किस तरह स्ट्रगल करते हैं. एंड आई थिंक दैट आप जैसे यंग लोग जब इस तरह एफर्ट्स करते रहोगे और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन भी